दोस्तों, प्रॉब्लम हाउस जापान के कुछ ऐसे घर हैं जिनके अंदर कोई ना कोई मिस्ट्री छुपी हुई है, और आज की हमारी जापानीज हॉरर मूवी इन्हीं भूता घरों के बारे में है, जिसका नाम है स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज, जो कि सच्ची घटना पे आधारित है। मूवी की स्टोरी काफी ज्यादा खतरनाक है और IMDb ने इसे 4.5 out of 10 की रेटिंग दी है और माई ड्रामा लिस्ट ने इसे 6.9 out of 10 की रेटिंग दी है। आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना, क्योंकि अब हम देखने जा रहे हैं स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टी मूवी की एक डरावनी कहानी। तो ये कहानी शुरू होती है नाकाई और उसके दोस्त यमानो को दिखाते हुए, जो जाने माने कॉमेडियंस थे, पर अब उनके शो को कोई ज्यादा नहीं देखता। उनकी ऑडियंस में ज़ियाओजी नाम की एक लड़की थी जो उन दोनों की काफी बड़ी फैन थी। खैर, शो के बाद नाकाई और यमानो परेशान थे, क्योंकि उनका शो पूरी तरीके से फ्लॉप हो चुका था, और इसलिए आज नाकाई क्विट कर देता है, क्योंकि उसे एक टीवी स्टेशन में जॉब मिल गई थी और यमानो अब अकेला रह जाता है। उदास होकर यमानो घर जाता है, पर ज़ियाओजी उसे रोक लेती है। अब क्योंकि ज़ियाओजी फैन थी तो यमानो खुश होकर उसे अपना छाता दे देता है। छाता लेकर ज़ियाओजी घर जाती है और हमें पता चलता है कि वो एक मेकअप आर्टिस्ट बनना चाहती है, और वो अगले दिन एक टीवी स्टेशन में जॉब के इंटरव्यू के लिए जाती है। लकीली ज़ियाओजी को वहां पर जॉब मिल जाती है, और अब उसी टीवी स्टेशन पे पहुंचते हैं नाकाई और यमानो। यमानो अपने लिए जॉब ढूंढने के लिए आया था और नाकाई उसकी मदद कर रहा था। जॉब की तलाश में वो दोनों अपने आइडियाज को पिच करते हैं प्रोड्यूसर्स को, पर प्रोड्यूसर उन दोनों को बताता है प्रॉब्लम हाउसेस के बारे में, जो जापान के श्रापित घर होते हैं, जिनमें क्या हुआ ये कोई नहीं जानता, वहां कौन रहता है ये कोई जानना नहीं चाहता। और अब प्रोड्यूसर यमानो को एक काम देता है। यमानो को अब उन प्रॉब्लम हाउस में रहना होगा और सुपर नेचुरल चीजों को कैमरे में कैद करना होगा, ताकि नाकाई और बाकी लोग मिलके उनके ऊपर शो बना सके। खैर, इसके बाद यमानो ज़ियाओजी से फिर से टीवी स्टेशन में मिलता है, और ज़ियाओजी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उनका शो बंद हो गया। और जब ज़ियाओजी को पता चलता है कि यमानो प्रॉब्लम हाउस के अंदर रहेगा, तो वो थोड़ी डर जाती है, पर क्यों ये हमें आगे पता चलेगा। थोड़ी देर बाद यमानो को प्रोड्यूसर एक प्रॉब्लम हाउस का पता बता देता है, जिसकी सारी अरेंजमेंट हो गई थी और अब बस यमानो को वहां पर जाकर रहना था। यमानो अब पहुंच जाता है उस प्रॉब्लम हाउस में, जो एक अपार्टमेंट बिल्डिंग थी। अपार्टमेंट में एक औरत का मर्डर हुआ था, जिसके बाद से ये जगह हॉन्टेड है, और अब इसी बात का राज पता लगाएगा यमानो। यमानो अपार्टमेंट में घुस के पहले उसे शूट करता है, और जब मकान मालिक घर पे आती है तो उसका कुत्ता एक इनविजिबल चीज पे भौंकने लगता है। रात को यमानो कैमरा सेट करके सोने के लिए जाता है, पर तभी प्रोड्यूसर का फोन आता है। यमानो प्रोड्यूसर से बात कर ही रहा था कि तभी प्रोड्यूसर को आने लगती है एक औरत की आवाज, और तभी कैमरे में कुछ अजीब चीज कैद होती है। अगले दिन सब लोग फुटेज को चेक करते हैं, जिसमें एक अजीब सफेद छाया यमानो के पास घूम रही थी, जिसे देखकर प्रोड्यूसर खुश हो जाता है। और दोस्तों, ये सब कुछ रियल में बिल्कुल डिटो हुआ था। खैर, प्रोड्यूसर उस फुटेज को लेके एक टॉक शो में बदल देता है, और यमानो काफी ज्यादा फायदे में जाता है। नाकाई और यमानो दोनों की ही लाइफ ठीक होने लगती है, और एक दिन वो दोनों ज़ियाओजी के साथ डिनर पे जाते हैं। वहां पे तीनों की थोड़ी और ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है, जिसके बाद वो तीनों यमानो के प्रॉब्लम हाउस को विजिट करने के लिए जाते हैं। अब प्रॉब्लम हाउस में एंटर करने से पहले ही ज़ियाओजी को दिखाई देती है एक काली डिमोनिक एंटिटी, जिससे वो घबरा जाती है। यमानो के अपार्टमेंट में घुसने से पहले ही उसे किलर की आत्मा दिखाई देती है, जो एक क्रोबार से ज़ियाओजी पे अचानक ही हमला कर देती है। ज़ियाओजी अब बहुत ज्यादा डर जाती है, और वो बिना कुछ बोले वहां से भाग जाती है। नाकाई और यमानो अब अकेले ही प्रॉब्लम हाउस में बैठते हैं, जहां पे नाकाई बताता है कि उसकी नौकरी छूट गई है, और अब वो फिर से यमानो के साथ काम करना चाहता है। यमानो अपने दोस्त को पिछली बार के लिए माफ कर देता है, और वो उससे फिर से पार्टनरशिप कर लेता है। और अगले दिन नाकाई पूरे घर में डिजिटल कैमरे लगवा देता है। अब कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी भूत कैप्चर नहीं होता। प्रोड्यूसर्स को भी गुस्सा आने लगता है, और एक दिन ज़ियाओजी यमानो से उसके घर की हिस्ट्री पूछती है, पर यहाँ पे यमानो को पता चलता है ज़ियाओजी के बारे में।
दोस्तों असल में जियाओ जी भूतों को देख सकती है और इसलिए ही वो थोड़ी डर गई थी प्रॉब्लम हाउस का नाम सुनकर। इसी के साथ जियाओ जी को पता चलता है कि जिस औरत को मारा गया था उसका कातिल भी जेल में मर गया था और इसलिए ही उन दोनों की आत्मा अब अपार्टमेंट में रहती है। अब उस दिन यमानो जियाओ जी को ले आता है अपने घर पे और वो उससे भीख मांगने लगता है भूतों को कैप्चर करने में मदद करने के लिए और बेचारी जियाओ जी मना नहीं कर पाती। इसके बाद रात को यमानो कैमरे सेट करता है पर तभी जियाओ जी को दिखाई देती है वुमेन इन रेड ड्रेस जिसके पीछे वो किलर पड़ा हुआ था। जियाओ जी के सामने ही किलर उस औरत को बड़ी ही बेरहमी से मार डालता है और डर के मारे जियाओ जी चिल्ला पड़ती है और इतना ही नहीं वो डिमोनिक शक्ति भी ये सब देख रही थी। खैर अगले दिन यमानो और नाकाई देखते हैं कि कल रात के वक्त सारे कैमरेज अपने आप बंद हो गए थे और उन्हें कोई भी फुटेज मिल ही नहीं पाई। दोनों ही निराश होकर काम पे निकल जाते हैं पर यमानो को अपनी साइकिल नहीं मिलती। उसे लगता है कि उसकी साइकिल नाकाई ले गया है पर वीडियो कॉल पे ये बात झूठ साबित हो जाती है। पर तभी यमानो को वुमेन इन रेड ड्रेस दिखाई देती है नाकाई के पीछे और तभी सारी साइकिल्स अपने आप गिर जाती है। वुमेन इन रेड ड्रेस अब यमानो को अपने पास भी खड़ी दिखाई देती है और वही सेम औरत नाकाई के पीछे भी खड़ी थी। औरत के हाथ से खून बह रहा था और अचानक ही जैसे ही वो पीछे मुड़ती है यमानो और नाकाई दोनों ही डर के भागते हैं और उन दोनों का एक ही साथ एक्सीडेंट हो जाता है। लकीली दोनों ही लड़के जिंदा बच जाते हैं और जियाओ जी उनसे मिलने हॉस्पिटल पहुंचती है। जियाओ जी को पता चलता है कि क्या हुआ था और वो उन दोनों को बताती है कि वो औरत असल में विक्टिम की आत्मा है। खैर एक महीने के बाद वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं और प्रोड्यूसर बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि उन दोनों के इस हादसे ने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी कमाई थी। प्रोड्यूसर दोनों को अब पूरे के पूरे टॉक शो का इंचार्ज बना देता है और वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। पर अब यमानो उस अपार्टमेंट में वापस नहीं जाना चाहता था और इसलिए आज वो जाता है एक लोकल रियल इस्टेट एजेंट के पास। यमानो वहाँ पे पूछता है प्रॉब्लम हाउसेस के बारे में जिसके बाद उससे मिलती है योको नाम की एक औरत जो प्रॉब्लम हाउसेस को ही संभालती थी। योको थोड़ी अजीब थी और यमानो को वो टीवी से पहचान लेती है। योको यमानो को तीन अलग अलग प्रॉब्लम हाउस दिखाती है और तीनों घरों की एक अलग कहानी थी। यमानो सबसे पहले एक मर्डर हाउस को चुनता है पर योको अचानक ही पूछती है कि क्या तुम जानना चाहोगे मरने के बाद लोगों के साथ क्या होता है, जिससे यमानो थोड़ा घबरा जाता है। यमानो बात घुमा के साइन वगैरह करके उसी दिन उस मर्डर हाउस के अंदर शिफ्ट हो जाता है और ये है प्रॉब्लम हाउस नंबर 2। ये घर भी एक अपार्टमेंट था पर सामान शिफ्ट करते वक्त भी उनपे वो डिमोनिक शेडो नजर रख रही थी। सामान लगाते वक्त यमानो और नाकाई को कारपेट के नीचे एक ब्लड स्टेन मिलता है और घर के अंदर शीशे भी कवर्ड थे। एक टाइल अजीब तरीके से टूटी हुई थी और शावर का हैंडल न्यू लगा हुआ था। सिंक के अंदर गंदा पानी और बाल भरे हुए थे, मतलब दोस्तों मर्डर के बाद भी इस घर को अच्छे से साफ नहीं किया गया। अब अगले दिन यमानो के फोन से कोई आत्मा नाकाई को एक वॉइस मैसेज भेज देती है जिसमें कुछ भी साफ सुनाई नहीं दे रहा था। खैर उस दिन यमानो अपने फैंस वगैरह से मिलने के लिए गया हुआ था जब एक औरत उसके साथ फोटो लेने के लिए बोलती है और उस टाइम पर जियाओ जी को यमानो के पीछे उड़ते हुए बाल दिखाई देते हैं। अब जब जियाओ जी यमानो और उस औरत की फोटो लेती है तो कैमरे के अंदर एक औरत की स्पिरिट का चेहरा बार बार कैद होने लगता है, जिससे जियाओ जी चिल्ला पड़ती है। जियाओ जी ये बात यमानो को बताती है, जिसके बाद अब यमानो उस घर के बारे में थोड़े लोगों से पूछताछ करता है और एक लोकल शॉप के ओनर से उसे पता चलती है उस घर की हिस्ट्री। असल में दोस्तों उस घर के अंदर एक अनएम्प्लॉयड बेटे ने अपनी माँ को मार डाला था, जिससे यमानो चौंक जाता है और इसलिए ही अब वो जियाओ जी को लेके पहुँचता है अपने घर। यमानो अब शूटिंग करता है और जियाओ जी घर के अंदर घूमकर आत्माओं से कनेक्शन बनाती है। पर जब यमानो प्रोड्यूसर से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए वहाँ से चले जाता है, सिर्फ तभी जियाओ जी को कुछ फील होने लगता है। जियाओ जी को बाथटब के अंदर से शोर आता है और से शीशे के अंदर अचानक ही दिखाई देती है एक बुढ़िया की आत्मा।
वो आत्मा जियाओजी का सर पकड़कर उसे सिंक में डुबाने लगती है, पर एंड टाइम पे यमानो वहां पे आकर उसे बचा लेता है। जियाओजी को इस सब के बाद अचानक ही एक विजन आता है और हम देख पाते हैं कि उस अनएम्प्लॉयड बेटे ने कैसे अपनी माँ को बेरहमी से पीटा था, बाथरूम की दीवारों और शीशे पे पटक पटक कर मारा था और फिर सिंक में डुबा कर मार डाला था। पर जियाओजी को ये भी पता चलता है कि वो लड़का असल में अडॉप्टेड था और ये बात जियाओजी को वो वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने पे पता चलती है। इस सब के बाद जियाओजी को फिर से वो डिमोनिक एंटिटी नजर आती है, पर वो कौन है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। फाइनली प्रॉब्लम हाउस नंबर 2 का ये केस सॉल्व हो जाता है, पर उस रात को नकाई सामान पैक करके घर चले जाता है क्योंकि उसकी फैमिली के साथ एक एक्सीडेंट हो गया था। नकाई को लग रहा था कि ये सब कुछ प्रॉब्लम हाउस के श्राप की वजह से हुआ है और वो यमानो को भी काम बंद करने की सलाह देता है। खैर यमानो नकाई की बात नहीं मानता और वो जाता है योको के पास और साइन कर देता है एक नए प्रॉब्लम हाउस के लिए जो है प्रॉब्लम हाउस नंबर 3। यमानो अपना सामान लेके उस घर में शिफ्ट होता है जो बस एक छोटा सा कमरा था, जहां पर किसी वजह से एक औरत ने दरवाजे के नॉब पर लटक कर खुद को मार लिया था। उस घर के अंदर छोटा सा एटिक भी था, पर एक बार फिर से डिमोनिक शक्ति यमानो को घूर रही थी। खैर यमानो को एटिक की सीढ़ी का हैंडल थोड़ा सा झुका हुआ मिलता है, जिसे छूते ही उसके सर में बहुत ज्यादा तेज दर्द होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। अब जब यमानो को होश आता है तो उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था और वो खुद को ही सीढ़ी से लटकाने वाला था, पर तभी वहां पर आ जाती है जियाओजी। गले में फंदा लगे हुए ही यमानो दरवाजा खोलता है, जिसे देखकर जियाओजी समझ जाती है कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। घर से निकलते ही यमानो को होश आ जाता है और वो दोनों बैठ के थोड़ा रिसर्च करते हैं। उन्हें पता चलता है कि उस औरत से पहले एक और आदमी ने खुद को सीढ़ी से लटका लिया था और इसका मतलब इस घर के अंदर कोई श्राप है जो लोगों को मरने पे मजबूर कर देता है। सीधी सी बात थी कि अगर यमानो इस घर में एक रात भी रुकेगा तो वो मारा जाएगा। अपनी जान बचा के यमानो समझदारी दिखाता है और घर खाली कर देता है और वो फिर से पहुंचता है योको के पास। अब क्योंकि यमानो को अपने प्रोड्यूसर के साथ टोक्यो जाना था टॉक शो के लिए, तो वो योको से टोक्यो के प्रॉब्लम हाउस की लिस्ट मांगता है, पर योको एक स्पेशल घर जो चीबा के अंदर मौजूद है वो दिखाती है यमानो को। उस घर के अंदर काफी सारी मौतें हुई है और वो सारी मौतें लवर्स ने करी है, मतलब उस घर के अंदर सारे लवर्स मारे जाते हैं। और यमानो ये सब सुनकर थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है। ये बात यमानो जब जियाओजी को बताता है तो जियाओजी उसे ये सब आगे करने से मना करती है, पर अब यमानो पे पैसों का भूत सवार था। जियाओजी की बात ना मानकर अब यमानो टोक्यो चले जाता है, पर वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए एक लकी ताबीज ले लेता है और वो पहुंचता है प्रॉब्लम हाउस नंबर 4 पे। दोस्तों वो घर इतना ज्यादा श्रापित था कि अंदर घुसते ही यमानो बेहोश हो जाता है और उसे होश सीधा रात के टाइम पे आता है। यमानो को जब होश आता है तो बरामदे की लाइट्स अपने आप जल बुझ रही थी, पर बाहर कोई भी नहीं था और तभी एक दरवाजा भी अपने आप खुल जाता है। डरते डरते यमानो किसी तरह दरवाजा बंद करता है और किसी तरह रात सरवाइव करके अगले दिन पहुंचता है अपने टॉक शो में। टॉक शो में यमानो अपने कल रात के एक्सपीरियंस के बारे में बताता है जो जियाओजी टीवी पर सुन रही थी और वो जानती थी कि यमानो खतरे में है। काम करने के बाद जियाओजी अचानक ही नकाई से टकरा जाती है जो अपनी जॉब को रिजाइन देने के लिए आया था क्योंकि उसके पापा एक्सीडेंट के बाद मर गए थे। और दोस्तों जियाओजी भी अपनी लाइफ में कुछ अनबन नोटिस कर पा रही थी प्रॉब्लम हाउस की वजह से। सीन वापस जाता है यमानो पे जो खुद को शूट कर रहा था, जिसमें वो बरामदे की लाइट्स वाली प्रॉब्लम को अच्छे से कैप्चर कर लेता है और ये सब कुछ वो यूट्यूब पर लाइव दिखा रहा था जो जियाओजी घर पे से देख रही थी। अब अचानक ही वीडियो के अंदर यमानो का फेस डिमोनिक हो जाता है और जियाओजी डर जाती है और उसे कंफर्म हो गया था कि अगर यमानो को किसी ने नहीं बचाया तो वो शायद जल्दी ही मारा जाएगा। अब उस रात को यमानो जब घर लौटता है तो लाइट्स अपने आप चले जाती है और अचानक ही एक बूढ़े की आत्मा यमानो के पैर को पकड़ लेती है।
डर के मारे यमानु भागता है, पर अब फ्रिज के अंदर से भी निकलती है एक लड़की की आत्मा। एक तीसरी आत्मा छत से क्रॉल करते हुए उतरती है। एक आत्मा क्लोजेट से निकलकर एक दूसरी आत्मा का गला दबाने लगती है और हम देख पाते हैं कि किस तरीके से इस घर के अंदर गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड एक दूसरे को ही मार डालते हैं। ये सब देखकर यमानो खंबा पकड़कर चिल्लाने लगता है और दर्जनों आत्माएं अब उसे चारों ओर से घेर लेती है। वो आत्माएं उस पे हावी होने लगती है, पर तभी यमानो निकाल लेता है वो अपना लकी ताबीज जो काम कर जाता है और सारी आत्माएं डर के मारे एक एक करके गायब हो जाती है। यमानो अब शांति से सांस लेता है, पर तभी अंधेरे से निकलता है वो डीमन जो दोस्तों असल में इस मूवी के अंदर मौत को रिप्रेजेंट कर रहा है। यमानो ने जब से प्रॉब्लम हाउस को इन्वेस्टिगेट करना शुरू किया है तब से ही वो श्रापित है और मौत उसका पीछा कर रही है। उसी मौत को हमें मूवी में डीमन के रूप में दिखाया गया है। कहने का मतलब यमानो भले ही आत्माओं से बच जाए पर वो मौत से नहीं बच पाएगा क्योंकि वो श्रापित हो चुका है। यमानो उस डीमन को ताबीज से भगाने की कोशिश करता है पर वो ताबीज टूट जाता है। वो खौफनाक डीमन अब बढ़ता है यमानो की तरफ, पर तभी घर के अंदर एंटर करती है जियाओजी जो यमानो को बचाने आई थी। जियाओजी यमानो को संभालती है पर उसे भी डीमन दिखाई देता है और अब उस डीमन के अंदर से निकलती है दो आत्माएं जो जियाओजी और यमानो दोनों को ही पोजेस कर लेती है। वो दोनों अपने शरीर से काबू खो देते हैं और जियाओजी एक चाकू उठा के यमानो को मारने पे तुल जाती है। यमानो भी उल्टा जियाओजी का गला दबाने लगता है और वो दोनों बहुत कोशिश कर रहे थे खुद को रोकने की, पर वो रुक नहीं पा रहे थे। अब डीमन के एक इशारे से ही जियाओजी यमानो को मारने ही वाली थी कि एंड टाइम पे नकाई वहां पर आ जाता है। नकाई अब जब डीमन को देखता है तो वो उसके ऊपर होली वाटर फेंकने लगता है, ताबीज वगैरह दिखाने लगता है जो वो असल में रियल इस्टेट एजेंट योको से ही लेके आया था। वो चीज़ें डीमन पे बिल्कुल भी काम नहीं करती और डीमन नकाई को उठाकर पटक देता है। नकाई अब तुरंत ही योको को फोन लगाता है और योको नकाई को अगरबत्तियों का इस्तेमाल करने के लिए बोलती है और योको ने एक स्पेशल मंत्र भी नकाई को दिया था जो किसी भी बुरी शक्ति को दूर भगा सकता है। नकाई बिल्कुल ऐसा ही करता है और अगरबत्तियां जलाकर मंत्र पढ़ के चिंगारियों को डीमन पर फेंकने लगता है। डीमन को उन चिंगारियों से फाइनली डर लग रहा था और उन चिंगारियों की वजह से ही यमानो और जियाओजी के अंदर से आत्माएं निकल जाती है। अब इस सब के बाद डीमन को आ जाता है गुस्सा और वो नकाई को फिर से उठाकर पटक देता है। यमानो और जियाओजी अपने दोस्त को संभालते हैं और अब एंड में हिम्मत करके नकाई उठता है और फिर से चिंगारियों को डीमन पे मारने लगता है। डीमन इस बार चलाकी से चिंगारियों को वापस बैकफायर कर देता है, पर वो तीनों लोग एक छाते के पीछे छुप जाते हैं। छाते से टकराकर चिंगारियां डीमन को ही लग जाती है और फाइनली वो डीमन भस्म में बदलकर गायब हो जाता है। तीनों ही लोग तुरंत उस श्रापित घर से निकल जाते हैं और अब फाइनली यमानो को सबक मिल गया है और वो फिर कभी भी प्रॉब्लम हाउस के अंदर नहीं रहने वाला। अब अगले दिन यमानो और जियाओजी योको के पास आते हैं और यमानो के लिए एक नॉर्मल घर को ढूंढ लेते हैं, पर इस सब के बीच में वो डीमन योको को पोजेस कर लेता है। मतलब दोस्तों मूवी के अंदर जब भी योको अजीब बिहेव कर रही थी तो वो उस वक्त पोजेस थी और उस डीमन ने ही यमानो को वो सारे प्रॉब्लम हाउस की लिस्टिंग असल में दी थी। खैर इस बार पोजेस होने के बाद योको जाती है और ट्रक से टकराकर मारी जाती है। ये देखकर यमानो और जियाओजी के होश उड़ जाते हैं, पर डीमन को जो चाहिए था वो तो आखिर उसे मिल ही गया और मूवी इसी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। हमें मूवी के क्रेडिट सीन्स के साथ कुछ रियल केस की फुटेज भी दिखाई जाती है जो आप लोग अभी स्क्रीन पर देख सकते हो और हम लोग देख पाते हैं कि असलियत में उन लोगों ने फोटोज वगैरह के अंदर कौन कौन सी चीजें कैप्चर करी थी। तो ये थी एक्सप्लेनेशन स्टिग्मेटाइज्ड प्रॉपर्टीज मूवी की और मुझे आशा है कि आप सभी को ये मूवी समझ आ गई होगी और मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये मूवी देखनी है तो मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करना होगा। मेरे फेसबुक पेज का लिंक और बाकी सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो अगर आप लोग मेरे से जुड़ना चाहते हो तो आप लोग मेरे को वहाँ पे फॉलो जरूर कर सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा सपोर्ट जरूर करना क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हमें हेल्प मिलती है। और मैं आप लोगों से मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।